नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जीओवी पीवीटी को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। प्रधान शिक्षक के लिए बीपीएससी ने निकाली बंपर भर्ती, अब आपके माध्यम से ऑनलाइन तैयार होगा एनओसी। राज्य के 6,000 डीलरों को जल्द मिलेगा लाइसेंस। एससीएसटी विद्यार्थी के लिए बनाए जाएंगे छात्रावास। रोहित शर्मा ने ईशान किशन के साथ ओपनिंग करने को लेकर दिया अपना बयान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार को मिलेंगे 4 और नए एक्सप्रेसवे। बिहार में यात्रियों को बेहतर से बेहतर यातायात सुविधा मिल सके, इसके लिए सरकार तत्पर है, जिसके लिए सरकार रेल, मेट्रो, ओवरब्रिज, हाईवे आदि बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रही है। इसी कड़ी में भारतमाला परियोजना फेज 2 में बिहार को 4 नए एक्सप्रेसवे मिलने वाले हैं, जिसकी पुष्टि खुद पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने की है। इसमें गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस, वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और पटना आरा सासाराम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे शामिल है। इन सभी एक्सप्रेसवे के बनने से यातायात और भी सुगम हो जाएगा। अब ऐप के माध्यम से ऑनलाइन तैयार होगा एनओसी। बिहार में अब फिल्म की शूटिंग के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को फिल्म और अग्निशमन सेवा के लिए जाने वाले एनओसी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 21वीं सदी के इस डिजिटल युग में यह सुविधा भी इन्हें डिजिटल कर दी गई है, बस देर है तो इसे अमल में लाने की। मालूम हो कि कहीं भी फिल्म शूटिंग करने के लिए एनओसी की जरूरत होती है। अगर कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बगैर एनओसी फिल्म की शूटिंग करता है तो ये गैर कानूनी होती है, जिसके बाद ही कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसे में एक ऐप भी तैयार कर लिया गया है, यहां आप ऑनलाइन एनओसी प्राप्त कर सकेंगे। प्रधान शिक्षक के लिए बीपीएससी ने निकाली बंपर भर्ती। शिक्षक बनने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है। बीपीएससी ने प्राइमरी स्कूल में हेड टीचर की बंपर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत हेड टीचर के 40,506 रिक्त पद भरे जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 28 मार्च 2022 से शुरू हो जाएंगी, जिसकी अंतिम तारीख 22 अप्रैल 2022 है। आपको बताते चले कि इन रिक्तियों में 16,204 सामान्य वर्ग के लिए उपलब्ध है, वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4,048, एससी के लिए 6,477, एसटी के लिए 418, ईबीसी के लिए 7,290, बीसी के लिए 4,861 और बीसी महिला के लिए 1,210 पद आरक्षित है। दिव्यांग के लिए भी 4% सीट आरक्षित है। इसमें दृष्टिबाधित के लिए 421, मूक बधिर के लिए 410, अस्थ दिव्यांग के लिए 397 और मनोविकार बहु दिव्यांग के लिए 392 पद आरक्षित है। अचानक बढ़े तापमान से लीची के फसलों पर मंडरा रहा है खतरा। मार्च महीने में ही बेतहाशा बढ़ रहे तापमान से आम जनजीवन के साथ साथ फसलों पर भी बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश में तापमान अभी से ही 40 डिग्री से अधिक हो जाने की वजह से लीची के फसलों पर खतरा मंडराने लगा है। हालांकि इस साल लीची के पेड़ों पर पर्याप्त मंजर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मार्च में अचानक से बढ़े तापमान से उद्यान मालिकों को फसलों पर आने वाले संकटों का आभास हो रहा है। उद्यान मालिकों का कहना है कि पिछले साल अधिक जल जमाव रहने के कारण लीची में मंजर कम लगे थे, इस साल मौसम अनुकूल होने के कारण भरपूर मंजर लगा है, लेकिन मार्च में तापमान में वृद्धि होने से मंजर के झड़ने की आशंका भी है। निधि बैंक पर नकेल कसने के लिए हाईकोर्ट ने ईओयू को कार्रवाई करने का दिया आदेश। निधि कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की एक श्रेणी है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक से किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ये केवल अपने सदस्यों को जमा और ऋण को स्वीकार करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसी विषय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पटना हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया गया है कि राज्य में 438 निधि बैंक कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार में रजिस्टर्ड है। ग्रामीण क्षेत्रों में निधि कंपनी धड़ल्ले से पैसों के लेन देन के कारोबार में संलिप्त है। कई निधि कंपनी लोगों को पैसा लेकर भाग चुके हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको बताते चले कि इन्हीं में से एक सहारा बैंक भी शामिल है। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने ईओयू को ऐसी कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है, साथ ही आरबीआई को जन जागरूकता के लिए तुरंत विज्ञापन जारी करने को कहा है। राज्य के 6,000 डीलरों को जल्द मिलेगा लाइसेंस। बिहार में जन वितरण प्रणाली के 6,000 डीलरों को लाइसेंस जल्द उपलब्ध कराया जाएगा, इसकी पुष्टि खुद खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने की है। इसकी प्रक्रिया पहले से ही चल रही है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों और कोरोना की वजह से इस काम में देर हुई, लेकिन कोरोना का प्रकोप भी कम हुआ है और तकनीकी दिक्कतें भी सही कर ली गई है। ऐसे में अगले 3 महीने में इन 6,000 डीलरों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इसके साथ ही राज्य में जन वितरण के कुल 55,304 दुकानें स्वीकृत हैं। कार्यरत दुकानों की संख्या 49,381 है। रिक्त लगभग 6,000 दुकानों की बहाली की
की जा रही है। इसको लेकर लगातार समीक्षा भी की जा रही है। बौद्ध सर्किट से जोड़ा जाएगा विक्रमशिला। बिहार सरकार लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही सरकार एक भी मौका नहीं छोड़ रही। साथ ही सैलानियों को पर्यटक स्थल पर आने जाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए यातायात की सुविधा को और भी बेहतर बनाने के लिए विशेष काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर का विक्रमशिला, महावीर और बांका का भदरिया गांव बौद्ध सर्किट से जोड़ा जाएगा। मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बौद्ध सर्किट से उन सभी गांव को जोड़ा जाएगा जिनसे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिलने और प्रवास आदि के कारण जुड़ाव रहा है, लेकिन इसमें विक्रमशिला छूट गया है जिसे अब जोड़ा जाएगा। SC/ST विद्यार्थी के लिए बनाए जाएंगे छात्रावास। बीते दिन देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें एक SC/ST विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाने को लेकर भी था। आपको बता दें कि राज्य सरकार 30,000 से अधिक SC/ST की आबादी वाले प्रखंडों में 100 बेड के छात्रावास का निर्माण कराएगी। बीते दिन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इसके साथ ही SC/ST छात्रवृत्ति के संबंध में आवेदन के लिए शिक्षा विभाग ने NIC से मिलकर के अपना नया पोर्टल भी बनाया है। इस तरह की सुविधा पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के करीब 6,00,000 छात्र छात्राओं को दिलवाने की मंजूरी दे दी गई है। प्रीपेड रिचार्ज के तौर पर जल्द वापस मिलेंगे बिजली उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी मनी। राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मामला अभी कितने यूजर्स को समझ में नहीं आया है, जिसके वजह से ही उन्हें काफी परेशानी और उलझने होती हैं। हालांकि ये बिल्कुल सेफ है। आपको बताते चले कि राज्य में करीब 6,00,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी मनी वापस होगी। मतलब ये कि प्रीपेड मीटर लगाए जाने तक पोस्टपेड मीटर का बकाया बिल एडजस्ट करने के बाद अगर पैसा बचता है तो बिजली कंपनी रिचार्ज वाउचर के रूप में उपभोक्ताओं का मीटर रिचार्ज करेगी। अधिकारियों का कहना कि सर्वर में बदलाव का कार्य चल रहा है, पूर्ण होने के साथ ही सिक्योरिटी मनी वापस की जाएगी। लगातार प्रदेश का अधिकतम तापमान हो रहा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। मार्च महीने में ही बढ़ रहे बेतहाशा गर्मी ने लोगों के चेहरे की रौनक ही छीन ली है। मार्च के आखिरी महीने में मई जून जैसी गर्मी पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बुधवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बांका जिले में 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अभी पछुआ हवा का प्रवाह समुद्र तल से 105 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। वहीं मार्च महीने से इस तरह से बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए आपदा प्रबंधन ने भी अलर्ट जारी किया है। 26 मार्च से शुरू होगा नीरा का संग्रह। बिहार में शराबबंदी होने के बाद ना जाने कितनों का रोजगार छिन गया। ऐसे में उनके लिए राज्य सरकार नीरा के उत्पादन पर विशेष जोर दे रही है। जिन्हें मालूम नहीं उन्हें हम बता दें कि नीरा एक पेय यानी कि पीने का पदार्थ है जो तारी के वृक्षों का रस है। इसे मीठा तारी भी कहते हैं, लेकिन ताजा रस को नीरा और इसके फर्मेंट रूप को तारी कहा जाता है। इन लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि राज्य में नीरा का उत्पादन और बिक्री आगामी 26 मार्च से शुरू होगी। इस योजना का उद्देश्य तारी के उत्पादन और बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवारों को नीरा उत्पादन और जीविकापार्जन योजना से जोड़ना है, ताकि वो तारी बेचने के धंधे से बाहर निकलकर अपना जीविकापार्जन कर सके। बिहार दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे सैकड़ों बच्चों की बिगड़ी तबीयत। बिहार के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका आज अंतिम दिन है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बिहार के 38 जिले से शिरकत करने आए विद्यार्थी बीमार पड़ गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है, जिन्हें जिले के लिए गांधी मैदान में ही बने कैंप में ले जाया गया है। वहीं जिन बच्चों की हालत गंभीर थी उन्हें PMCH रेफर कर दिया गया है। बीमार पड़े बच्चों की संख्या 100 के करीब है। बताया गया है कि कार्यक्रम में बने खाने को खाने के बाद ही ये बच्चे बीमार हुए हैं, जिसके बाद उन्हें उल्टियां होनी शुरू हो गई थी। इस घटना के बाद आयोजक के बीच हड़कंप भी मच गया है। लालू प्रसाद यादव का तेजी से बढ़ रहा है किडनी का संक्रमण। लालू यादव का तबियत दिन प्रतिदिन और ज्यादा ही खराब होता जा रहा है। मालूम हो कि लालू यादव की किडनी में संक्रमण है। वहीं दिल्ली एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि लालू यादव की किडनी का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। उनकी किडनी में संक्रमण तेजी से बढ़ने के बाद इमरजेंसी से नेफ्रोलॉजी के C6 वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। यहां नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर भौमिक की देखरेख में उनका इलाज कर रहे हैं। उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने भी बताया कि उनकी किडनी और हार्ट में परेशानी है। गौरतलब है कि बुधवार की सुबह दिल्ली के एम्स में डिस्चार्ज करने के बाद दोबारा उन्हें भर्ती किया गया था। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के 3 नेताओं ने उनका दामन छोड़ दिया है और भाजपा में शामिल हो गए। ऐसे में इस बात की खबर जोर शोर से चल रही थी कि क्या मुकेश सहनी भी इस्तीफा दे देंगे, तो आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर इन सभी बातों पर पूर्ण विराम लगा दिया है और उन्होंने दो टूक कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। फैसला नीतीश कुमार के हाथ में है। मुकेश सहनी ने कहा है कि नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है कि वो किसे कैबिनेट में रखते हैं और किसे नहीं।
रोहित शर्मा ने ईशान किशन के साथ ओपनिंग करने को लेकर दिया अपना बयान। आगामी 26 मार्च से गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और फाइनल खेल चुकी केकेआर के बीच मुकाबले की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में इस बार खेले जाने वाले मुकाबले से जुड़ी दो नई फ्रेंचाइजी के साथ भी पुरानी 8 फ्रेंचाइजी जी तोड़ मेहनत कर रही है। इस बीच सबसे अधिक बार आईपीएल की विजेता रह चुकी मुंबई इंडियंस की कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी टीम से मैदान में प्रतिद्वंदी टीम के खिलाफ ओपनिंग करने को लेकर बड़ी बात कही है। रोहित शर्मा ने बीते दिन कहा है कि मैं बल्लेबाजी की शुरुआत हमेशा से करता रहा हूं, इसलिए मैं ही करूंगा और मैं ईशान किशन के साथ बल्लेबाजी करने उतरना चाहता हूं। सूर्य कुमार यादव अभी चोट की वजह से अभी भी एनसीए में है, ऐसे में उनकी उपलब्धता के बारे में अभी नहीं बता सकता हूं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रंजन कुमार, बाबूलाल मरांडी, कुश कुमार, मृत्युंजय कुमार, नीलम कुमार, उमाशंकर जायसवाल, कविता कुमारी, राकेश कुमार, सतीश कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, SC/ST विद्यार्थियों के छात्रावास बनाए जाने का निर्णय फायदेमंद साबित होगा या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।